50-50, 20-20 यानी कि T20 और टेस्ट मैच, ये तीन फॉर्मेट तो आपने देखा होगा, सुना होगा क्रिकेट में। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्रीशंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। रेड बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अब T10 फॉर्मेट का आगाज करने जा रही है। आज DMA डिजिटल मीडिया एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी शहर में अब ये जो फॉर्मेट है T10 यानी कि समय को वैधता को देखते हुए, समय की कमी को देखते हुए और लोगों की रुचि कम समय में ज्यादा मनोरंजन के दृष्टिकोण को देखते हुए T10 यानी कि 10 ओवर का मैच का आगाज करने जा रही है रेड बॉल की एसोसिएशन पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी शहर में। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आइए इस विषय में हम विस्तार से इस फुटेज को और वीडियोस को देखकर जानते हैं, समझते हैं। आप सबका शुभ हो, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आइए हम सब मिलकर के माँ श्यामा से, माता लक्ष्मी और गजानन श्री गणेश से विनती करें कि इस बार विश्व विजयी बने क्रिकेट जगत में। 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इस वर्ल्ड कप में भारत ही क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत करके अपना दबदबा को कायम रखे। सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद। यस, हमें बीसीसीआई इसका कोई मैच करेगा। अगर बंगाल के लिए, खासकर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग हिल्स के लिए एक सही प्लेटफॉर्म जो है हम लोग लेकर के आए हैं। और आज विश्व बंगाल रेड बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेस वार्ता हमने बुलाया है आप सबों के बीच में। और हम सबों के बीच में हमारे फेडरेशन के, इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष सोहल साहब आए हुए हैं पंजाब से। सोनी साहब हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। सबीना खातून है जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। फिरोज साहब हैं, सचिन जी हैं, और मैं फैज़ल, आप लोग जानते हैं, जो कि मैं बीच में आता ही रहता हूँ किसी भी इवेंट को लेकर के। तो देखिए, आप लोगों ने क्रिकेट जो है सुना है, टेनिस क्रिकेट भी है, T20 क्रिकेट भी है। हम लोग जो है नया फॉर्मेट लेके आए, ये जो है ये T10 होगा। T10 क्रिकेट, ये 10 ओवर का क्रिकेट हमारा होता है और लेदर बॉल से ही हम लोग जो है टूर्नामेंट खेलते हैं। क्रिकेट आयोजन जो करते हैं हम लोग, लेदर पैड वगैरह सब यूज़ करते हैं हम लोग। और विस्तृत रूप से जो है, सबसे पहले मैं सबीना जी से चाहूँगा कि सर को जो है खदा, चूँकि जो पारंपरिक खदा जो है बहुत बड़ा, रेड बॉल क्रिकेट फेडरेशन इंडिया के हमारे फेडरेशन के लीगल एडवाइजर सोनी साहब हैं। और मैं अब चाहूंगा कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि है सोहल साहब, वो विस्तृत रूप से हमारे इस फेडरेशन के बारे में और नॉर्थ बंगाल में हम लोग क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये नया फॉर्मेट है। T20 आपने सुना है, 50 ओवर का भी खेल होता है, लेकिन ये नया फॉर्मेट आया है T10, 10 ओवर का खेल होता है। और विस्तृत रूप से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है आप लोगों को बताएंगे। सर जी, मीडिया मेंबर्स का स्वागत करता हूँ, आपका आने के लिए थैंक यू। और अब जो हमारा T10 फॉर्मेट है, रेड बॉल क्रिकेट फेडरेशन है, वो T10 फॉर्मेट से खेला जाता है, लेदर बॉल से खेला जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत सभी इतना बिजी शेड्यूल चलता है, तो इसलिए कि हम जैसे कम समय में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए और हर गेम को फास्ट करने के लिए इसको T10 का फॉर्मेट दिया गया है। और ये दूसरी गेम से अलग इसलिए चलता है, एक तो इसमें समय कम दिया जाता है लेकिन उसमें गेम फास्ट हो जाती है। जैसे कि T20 का आया था, पहले डे वनडे खेला जाता, फिर 2020 आया, तो हमने इसको T10 फॉर्मेट से खेलना स्टार्ट किया, जिससे कि गेम फास्ट हो जाता है और बच्चों को मैक्सिमम मैचेस खेलने के लिए मिलते हैं। और ये लेदर बॉल से खेला जाता है, ये इंडिया में भी उसी लेदर बॉल से खेला जाता है जो इंग्लिश लेदर बॉल होती है, और फॉरेन में भी ये लेदर बॉल से खेला जाता है। तो अब इसमें जो
गेम्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे अहमद सर ने बताया कि यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल में शुरू कर रहे हैं हमारे, जैसे कि सबसे पहले हम इनको बात हुई है कि ये अपने ग्राउंड लेवल पे अपनी चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ करेंगे स्टेट लेवल पे, जो कि स्टेट लेवल पे कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है ये अपने आप को अपनी यूनिटी में दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम इनको फर्स्ट ऑफ ऑल पर प्रोविजनल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम इनको परमानेंट एक एसोसिएशन हैंड ओवर कर देंगे। ये पहले इंडिया लेवल पे खेला जा रहा है, लेकिन वेस्ट साइड पे, वेस्ट बंगाल वाली साइड पे ये कभी नहीं खेला गया था। तो जैसे कि अहमद सर ने बताया कि अहमद सर ने काफ़ी एक्टिव पर्सन है ये, इन्होंने हमारे तक अप्रोच किया, तो हमने भी इनको उसी इंटरेस्ट के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे कि ये आगे जो भी हमें परफॉर्मेंस दिखाते हैं हम आगे उसी लेवल पे इनके साथ काम करेंगे। नहीं, हमारे थोड़ी सी अगर हम उसको बिल्कुल मैच करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्शन हो सकता है। हमने थोड़ा सा लिटिल बिट उसमें चेंजेस किए हैं लाइक दिस, जैसे कि अगर एक अंडर 17 खेला जाता है तो उसमें हम दो या तीन बच्चे अपने अंडर 19 के उसमें एंटर करवा सकते हैं, और हमारा फॉर्मेट ICC के या BCCI के बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा T10 से खेला जाता है। तो इसलिए हमारा उनके साथ हम किसी भी गेम या किसी भी एसोसिएशन या किसी भी कंपेयर नहीं कर रहे, वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम अपने लेवल पे अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरा सवाल है, जैसे क्रिकेट जो खेल है ये खेला सेम जाता है, जस्ट लिटिल बिट इसके रूल एंड रेगुलेशन में थोड़ा लिटिल बिट हमने चेंजेस रखा है और कुछ नहीं है। अभी जैसे कि हमारे अहमद सर ने भी बताया है, और अभी तक हम 3-4 ग्राउंड, कल से हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमने 3-4 ग्राउंड को देख चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं, यहाँ पे ग्राउंड्स की कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, और जिस हिसाब से हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे ये आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनका निर्देश है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हम लोग पहले इसको हम लोग प्रारंभ लाएंगे, टूर्नामेंट हम लोग करेंगे, हमारा जो स्कूल का बच्चा लोग है वो लोग को जो है BCCI में या किसी भी इसमें मौका ज़्यादा नहीं मिल पाता, और BCCI वो 15 से ज़्यादा सिलेक्शन किसी का करता नहीं, और एक हर साल में आप जानते हैं उम्र भी बढ़ता रहता है अंडर 17 अंडर 19, तो इससे क्या होता है कि उम्र भी वेस्ट होता है और खेलने को भी मौका नहीं मिलता है। और हमारा फेडरेशन में क्या है कि हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट हम लोग जो है शामिल करेंगे, सीनियर भी हम लोग जो है हर एज ग्रुप हम लोग जो है ऑर्गेनाइजिंग हम लोग करेंगे, और अब तक हमने जो है सिलीगुड़ी, चूंकि यहाँ फुटबॉल का ग्राउंड ज़्यादा है तो हम लोग जो है ग्राउंड की यहाँ कमी नहीं है, हमने जो है बहुत सारे डागापुर में हमने देखा है, मार्गरेट स्कूल का भी हमने देखा है, इंदिरा गांधी मार्ट भी हमने देखा है, तो जो भी उनसे संबंधित जो लोग हैं उनसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं, और स्पोर्ट्स को आयोजन करने के लिए वो हमेशा हम लोग को मदद करते रहते हैं, और ग्राउंड की यहाँ कमी नहीं है। सर का निर्देश ये है कि सबसे पहले हम लोग ग्रास रूट स्तर से जो है हम लोग जो है इस खेल को हम लोग शुरू करेंगे, और एक बड़ा आयोजन का भी हम लोग का विचार है, हम लोग जल्दी चाहते हैं कि महिला क्रिकेट का भी यहाँ एक आयोजन हो, सबसे डिफरेंट हम लोग चाहते हैं कि T10 जो क्रिकेट हमारा ऑर्गेनाइज होगा फेडरेशन के तले, हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छे ढंग से एक उत्तर बंगाल में, खासकर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में, और यहीं से नॉर्थ ईस्ट की शुरुआत होती है, तो हम लोग धीरे धीरे फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का भी रुख हम लोग करेंगे, और आने वाले समय में हमें लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय खिलाड़ी हैं, और हमें BCCI से कोई लेना देना नहीं, हमारा फॉर्मेट अलग है, हमारा बायलॉज अलग है, तो BCCI वो अपनी जगह पे है, कोई भी फेडरेशन हो, फेडरेशन तो इंडिया में बहुत सारी चल रही है, क्रिकेट जो है टेनिस क्रिकेट भी चलता है, और BCCI भी है, हमारा भी फेडरेशन है, तो BCCI वालों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना चलाते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हम उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक अच्छा स्टेज यहां के स्कूल के जो खिलाड़ी सब हैं जो इंटर स्कूल खेल के बैठ जाते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता, बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जो अच्छे जगह पे एक टैलेंट होते हुए वो एक अच्छे जगह पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन हमारे इस धरती ये जो हमारा सिलीगुड़ी है एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जो एक बहुत बड़ी उभरती हुई खिलाड़ी ऋचा घोष, जो मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ अपने फेडरेशन की ओर से, सर सतवंत सिंह सोहल जी की ओर से, कि वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो BCCI के लिए महिला क्रिकेट देश का नेतृत्व वो कर रही है, और हमारे शहर की रहने वाली है, हम चाहते हैं कि
ऋचा घोष के जैसे और भी खिलाड़ी जो महिला क्रिकेटर जो प्रैक्टिस कर रही होंगी, जो सुबह शाम अपना जो है वो गेम पे ध्यान दे रही है, तो ऐसे और भी खिलाड़ी यहाँ हो तो बेहतर होगा, और हम लोग ऐसे खिलाड़ी का सम्मान और सम्मान समारोह के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। तो इस रेड बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ये हम लोग संचालित सिलीगुड़ी से ही करेंगे, क्योंकि हर चीज तो कोलकाता में, गरीब बच्चा कोलकाता ट्रायल के लिए नहीं दे सकता ज्यादा, एक नाइट लगता है जाने में, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो बात बच्चे हैं, हम लोग जोनल वाइज हम लोग ट्रायल भी रखेंगे, हम लोग जोनल वाइज जो स्कूल में जाकर के हम लोग जो है बच्चों को प्रमोट करेंगे कि जो क्रिकेट सचिन जी मेंबर हैं, काफी चीफ है ये, और परम परम जो साहब फिरोज साहब जी। तो हम जो हमारी जो संस्था है 1882 के अंदर ये रजिस्टर्ड भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली से, और अभी तक हम किसी को किसी भी लेवल के ऊपर जाकर के कोई प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन फिर भी जो अभी तक हो चुका है वो ये है कि हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी इस लेवल के ऊपर हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन्स वगैरह और जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनके अंदर उनको अच्छा एक स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिला है। सिलीगुड़ी में आंदोलन किया था कि यहाँ ग्राउंड होना चाहिए, क्रिकेट मैच होना चाहिए, आप बहुत सारा वॉइस हमने सुना है मीडिया के या डिजिटल मीडिया के द्वारा। तो देखिए हम लोग का भी काम है कि जो ग्राउंड वैसे जो पड़े हुए हैं जैसे टी गार्डन में है या किसी का निजी ग्राउंड भी जो पड़ा हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे कि उस ग्राउंड को भी लेकर के कम से कम जब तक वो ग्राउंड हम लोग के लिए रहेगा हम लोग ग्राउंड बना करके एक क्रिकेट एकेडमी खोलने का भी काम करेंगे, और हम लोग कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट कराते रहेंगे जिससे कि जो है एक ग्राउंड का रूप भी दिया जाएगा, और भविष्य में क्या होगा ये तो हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन भविष्य में हमें लगता है कि आने वाले कल में हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। और सर ने ये बताया ना कि हमारा जो फेडरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा रजिस्टर्ड है, आपने BCCI की बात सर की, BCCI इज ए प्राइवेट लिमिटेड नॉट ए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स होगा वो भी हम लोग फॉलो करते हैं, गरीब बच्चों को हम लोग जो है जो सम्मान देने का बात होगा, और हम लोग किसी भी बच्चे से कोई फीस कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते, बहुत सारे लोग तो एकेडमी खोल के यहाँ दुकान चला रहे हैं लेकिन हर कोई ऋचा घोष नहीं बन रही है, सौरभ गांगुली दादा भी आया उसके बाद बहुत सारे टैलेंट लोग आए, हमारा साहसा हुआ है देखिए वो भी बेचारे अंदर बाहर होते रहे हैं इंजरी को लेके हो या शायद क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर हमारे सिलीगुड़ी शहर से आए, हम चाहते हैं एक ऋचा घोष नहीं कम से कम 10 ऋचा घोष यहाँ से होना चाहिए।